वैसे तो चिकन की रेसिपीज आप सभी लोग बना लेते हैं, बट रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल लोग नहीं बना पाते हैं। तो आज मैं आपकी दिक्कत को दूर करूंगी और रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन दो प्याजा की रेसिपी को बनाऊंगी, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से घर के ही कुछ सामान से बनाएंगे। और ये जो रेसिपी है ये पूरे इंडियन रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाती है। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे रेसिपी को लाइक जरूर से करें और आपके अपने चैनल नीतूज होम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में बेल बटन को भी हिट करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चिकन दो प्याज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसके एजेस को हम कट कर लेंगे। प्याज को जब हम कट करते हैं तो बहुत लोग की शिकायत होती है कि हमारे आंखों से आंसू निकलते, तो उनकी शिकायतें भी दूर होंगी। यहाँ पर मैंने प्याज को 2 पार्ट कर पानी में आधे घंटे के लिए डुबो कर रखा है। उसके बाद जब हम इसे पील करेंगे ना, बहुत ईजली पील हो जाती है। और इसका ये देखिए बारीक बारीक हमने प्याज की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर मैंने चॉप्ड किया है और यहाँ पर प्याज के कुछ क्यूब्स को यानी प्याज के पेटल्स को निकाला है। ईजली ये अलग अलग हो जाते हैं, इसको एक साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज का टमाटर लिया है और लगभग 5 मैंने लिए हरी मिर्च, जिसको अब हम प्योरे बनाएंगे। तो 2 टमाटर और हरी मिर्च का हम प्योरे बनाएंगे और 1 टमाटर को क्यूब्स में कट कर रख लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए टमाटर के प्योरे जो है और मिर्ची की प्योरी बनकर रेडी है, इसको एक साइड पे रखते हैं। अब यहाँ आती है चिकन पीसेस। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 750 ग्राम चिकन पीस लिया है। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तो ये मैंने काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ी सी 1/4 चम्मच की जितना, और 4 से 5 बूंद लेमन जूस के। बस इसको डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स बहुत ही अच्छे से करना है क्योंकि हम इसे मैरिनेट करेंगे। ये रेसिपी जो है ना, दिखने में जितनी लाजवाब लगती है खाने में उतनी ही लजीज लगती है। तो इस रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी चिकन दो प्याज़ा रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारा बनकर रेडी होगा। तो यहाँ देखिए मैरिनेशन के लिए हाथों का यूज़ बहुत ज़रूरी है करना। तो मैंने इसको मैरिनेट कर लिया, अब 1 घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से कढ़ाई को गर्म कर लिया था और इसमें मैंने सरसों का तेल लिया है। यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले हैं जैसे काली मिर्च, हरी वाली इलायची, दालचीनी, काली इलायची, कुछ जीरा लिया है मैंने, 1 स्टार एनीस है, कुछ तेजपत्ता है और लौंग है और जावित्री है। बस इन सभी चीज़ों को खड़े में ही हमें तेल में डाल देना है। तो तेल हमारी गर्म हो चुकी है, फिलहाल अभी हमने फ्लेम को लो रखा है और लो फ्लेम पर ही हमें इस मसालों को थोड़ी सी भून लेनी है। अब इसमें मैंने चुटकी भर हींग डाल दिया, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, और इन प्याज को डालकर तेल में और मसालों के साथ में अच्छे से भून लेना है, एकदम इसे लाल कर लेना है, यानी कि डार्क गोल्डन ब्राउन कलर का भून कर रेडी कर लेना है। जब तक ये ब्राउन कलर के ना हो जाएं हमें इसे अच्छे से भूनते रहना है। और यहाँ पर ये देखिए ब्राउन कलर का भून कर हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा ये कलर आया है। बस इतना ही कलर हमें चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, प्याज की भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, उसे भी अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर कुछ मैंने लहसुन की कलियाँ को क्रश कर डाला है, आप कूट कर डालें, अदरवाइज आप इसको ग्रेट कर भी डाल सकते हैं। लहसुन की भुनाई हम लो फ्लेम पर करेंगे। अब यहाँ पर लहसुन भुन चुकी है, हम इसमें टमाटर का प्यूरे मिला देंगे। जितना भी हमने टमाटर को पीसा था हरी मिर्च के साथ में, सभी को हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें नमक डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से टमाटर को भी पका लेना है। टमाटर की भुनाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी की प्याज की। बस इसे ढक कर हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखिए साइड से तेल रिलीज हो गया है, तो फिलहाल अभी हमने इसमें मसाले नहीं डाले, मसाले की प्रिपरेशन अब करते हैं। यहाँ पर मैंने दही लिया है, तो इसमें मैंने तकरीबन 4 बड़े चम्मच दही को डाला है। इसमें अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च की पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर,
और यहाँ पर एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो मसाला है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ज़रूर से फॉलो करें। बस इस दही वाले मिक्सचर को यहाँ पर हमने इस प्याज वाले मिक्सचर में डालकर लो फ्लेम पर इसको भूनना है बहुत ही अच्छे तरीके से। दही डालते वक्त फ्लेम हाई नहीं रहे इस बात का ध्यान रखेंगे। बस यहाँ पर मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हमने इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल दिया है और इसे भी हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनते जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इसकी भुनाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चिकन जब पकता है कोई भी फ्लेवर का हो, चिकन को जब मसालों के साथ में अच्छे से भूनेंगे ना, तभी चिकन में अच्छा सा मसाला का टेस्ट जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने ढक कर तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से लो फ्लेम पर लगातार कवर कर पकाते जाएंगे। और अब यहाँ पर मसालों ने तेल को भी छोड़ दिया है। अब मैंने इसमें गर्म पानी डाला है, तो ये ज़रूर से आप फॉलो करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो गर्म पानी का यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पर जो कुकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल लो नहीं होगी। और इस तरीके से ढक कर हमें 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है, ताकि जो भी चिकन के पीसेस हैं उसमें मसाले अंदर अच्छे से जा सके और अच्छे से कुक भी हो जाए। तो ये देख रहे हैं ना, उबाल आ रही है। तो बस इसी प्रोसेस पर हमें फिर से ढक कर इसे दोबारा से कुक करने देना। आइए नेक्स्ट प्रोसेस को करते हैं। उसके लिए एक पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाला, आप मक्खन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुटी हुई धनिया लिया है और थोड़ी सी सौंफ ली है, मोटी वाली, तकरीबन आधी छोटी चम्मच। उसको डालकर हमने इसमें प्याज डाल दिया है। जो प्याज के पेटल्स हमने निकाले थे ना, उसको डालकर इस तरीके से फ्लेम के साथ में हमने प्याज को रोस्ट करना है हाई फ्लेम पर। फ्लेम लो नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पर जब इसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा ना, बहुत ही बेहतरीन लगता है चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी में। पहले प्याज को टॉस कर लिया हमने, अब उसी सेम तरीके से हमने टॉस कर लिया है टमाटर और प्याज दोनों को साथ में डालकर। तो बस ये जो प्रोसेस है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी प्रोसेस को करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी में। तो यहाँ पर दो प्याज़ा का मतलब दो टाइप की प्याज का हमने यूज़ किया है। यानी कि आपने पहले देखा हमने बारीक प्याज को कट किया था, और अब हमने प्याज के पंखुड़ियों का यूज़ किया है। तो बस यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है। कसूरी मेथी का पत्ते को क्रश कर डाले, थोड़ा सा गरम मसाला डालकर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गरम मसाला का पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि हमने पहले भी गरम मसाले खड़े डाले हैं। तो बस इसको अच्छे से हमने चला लिया, ढक कर कुक करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। आइए अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए, वाह क्या खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई फ्रेश हरा धनिया की पत्ती, और इसको डालकर अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेंगे। चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी बनकर रेडी है। आइए अब इसको सर्व कर लेते हैं। इसको रोटी, नान, चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं। इंजॉय करें चिकन दो प्याज़ा रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।